नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम डेट आ चुकी है। जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आती है, टेंशन बढ़ती जाती है। ठीक है, आज के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतिम समय में किस तरह से ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी की रणनीति लेनी है। ठीक, कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी का जो ये पेपर होने वाला है, ये पेपर दो चरण में होने वाला है, जिसमें पहला प्री का एग्जाम होगा और फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, अभी केवल प्री के एग्जाम की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि प्री के ही बारे में बताया गया है, जिसमें पिछले पैटर्न के आधार पर देखें तो 120 प्रश्नों का पेपर होने वाला है, जो कि एक ही दिन और एक ही चरण में, यहाँ पर एक ही, ठीक है, आपका पेपर होगा और दो दिन में ये पेपर होने वाला है। ग्राम विकास पेपर अधिकारी का जो मेंस का पेपर होगा, उसका अभी कोई पाठ्यक्रम भी नहीं दिया है और ना ही इसका एग्जाम पैटर्न है। इस वाले पेपर में देखो, आपका जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं किया गया, केवल सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखा कि आप लोग राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, मतलब भूगोल पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भारत का इतिहास का कुछ बेसिक पार्ट दिया हुआ है। सामान्य कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और गणित के भी सवाल इसमें पूछे जाने वाले हैं। साथ साथ में आपको तर्क शक्ति से संबंधित भी सवाल मिलने वाले हैं। चूंकि इस भर्ती परीक्षा में कोई भी पूरा सिलेबस नहीं दिया हुआ, मतलब एक विस्तृत सिलेबस और पाठ्यक्रम नहीं दिया गया, तो आपको पिछले पेपर को आधार मानकर उन सभी टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करना है। समय कम है तो आप समय कम करें क्या, तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं होती। अंतिम समय में केवल आप लोगों को एक बेहतर रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी है। अंतिम समय में केवल जो पिछला पेपर हुआ है, उस पेपर के आए हुए प्रश्नों के आधार पर टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अंतिम समय में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। ठीक है, प्री केवल क्वालिफिकेशन के आधार पर होने वाली है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसलिए इसमें हमारा सभी का टारगेट होना चाहिए कैसे भी हमारा प्री का एग्जाम पास हो जाए और फिर हम और अच्छे से मेहनत मेंस के एग्जाम में करेंगे। तो अंतिम समय में आप लोगों को ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करिए, क्योंकि आपको 100% नंबर नहीं लाने हैं। एक मिनिमम क्राइटेरिया के आधार पर आप लोगों को 15 गुना विद्यार्थियों के लिए, वो 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो एक टारगेट रखिए और उस टारगेट के आधार पर पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।